हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एग्जाम्पलर की 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ना कट गए हैं सिलेबस में, तो वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत कम क्वेश्चन रह जाते हैं और जो भी रह जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे NCERT में तो सिर्फ एक √3 को √5 को इरेशनल प्रूव करना था, इसमें दो वैल्यू आ गई और उसमें हम क्या करते थे, पी पॉन क्यू की फॉर्म में करते थे। और इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट √3 √5 इज अ रैशनल नंबर। देखो हमने प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, तो हमने इसे क्या लेट कर लिया, दिस इज अ रैशनल। तो हमें हमारे पास आ गया √3 + √5 इक्वल टू ए, वेयर ए इज अ रैशनल, ए हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। बिल्कुल, यानी पी पॉन क्यू से थोड़ा लेंथी हो जाता है। हमने क्या किया, ए के साथ करके देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वैसे ही होगा। ए को हमने क्या कर लिया, रैशनल नंबर लेट कर लिया। तो अब √3 किसके इक्वल आ गया, ए माइनस √5। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्केयर और a माइनस √5 का स्केयर। तो √3 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ a² + b² और माइनस −2ab। तो ये 3 a² और √5 का स्केयर हमारे पास 5 माइनस √5। अब 2a√5 इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 2a√5 a² + 5 − 3, तो 2a√5, तो a² 5 − 3 = 2। तो हमारे पास √5 की वैल्यू क्या आ गई, a² / 2 upon 2a। अब हमें मालूम है अभी अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये तो हमारे पास क्या, इरेशनल है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या, रैशनल है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है, ये क्या है, रैशनल है। तो ये क्या होगी, कंट्रडिक्शन होगी, ठीक है, विच इज अ कंट्रडिक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस हैज बीन रीजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, तो हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। बस ऐसे लिखना और कुछ नहीं है, चाहे यहाँ √p √q आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले a लेट कर देना है, फिर √3 अलग, स्केयरिंग बोथ साइड कर देना है, फिर यहाँ से हमने √5 की वैल्यू निकाल दी, ये क्या होगा, इरेशनल है, ये क्या है, रैशनल है। तो दिस हैज़ बीन राइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। बस सिंपल है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 or 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब 12 की पावर कुछ भी रखो, 1, 2, 3, 4, लेकिन जो उसका एंड डिजिट होगा वो 0 or 5 नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 or 5। अब हमारे हमें मालूम है भी अगर 0 or 5 आएगा तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, तभी या 0 या 5 आएगा, ठीक है। तो अब जो 12 है इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 5 आ गया, ठीक है, तो ये होगा डिविजिबल, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 12 पावर n एंड विद डिजिट 0 or 5, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन
इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 power n कंटेन 5 एज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम देखो 12 के फैक्टर बनाएंगे, 12 की पावर n, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 होल पावर n, 2 का स्केयर इंटू 3 होल पावर n, यहाँ तो 5 आ नहीं रहा। ठीक है, तो इट डज नॉट कंटेन 5, कंटेन 5, ठीक है, एज अ प्राइम नंबर, 5 एज अ प्राइम, तो इसमें 5 तो प्राइम नहीं आ रहा, सो 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 or 5, बस यही है हमारा आंसर। ठीक है, बस थ्योरी लिखनी थी भी 12 की पावर n है, ठीक है, उसका एंड 0 or 5 से नहीं होगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर बना देना, उसमें 5 आ नहीं रहा, तो लिख देना इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम, सो 12 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 or 5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 cm, 42 cm एंड 45 cm रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच कवर वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कम्प्लीट स्टेप। यानी तीनों कितना डिस्टेंस कवर करें जिन जो भी इनके स्टेप में ना कम्प्लीट हो जाए, ऐसे ना हो भी एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, सबके बराबर इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस इनका एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। तो 40 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, इसी तरह 42 के हमारे पास क्या बनेंगे, 42 के बनेंगे 2 × 3 × 7 और 45 के हमारे पास बनेंगे 3 × 3 × 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो 2 × 2 × 2 है, तो इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 3 × 5 और यहाँ 2 × 3 × 7 और यहाँ 3 का स्केयर × 5। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45 का, तो हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की क्यूब और फिर 3 का स्केयर, फिर 5 और 7। ठीक है, तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या गया, 8, 2 का क्यूब 8, 3 का स्केयर 9 × 7 × 5 35, 8 × 9 72 × 35 और 72 × 35 हमारे पास क्या गया, 20 सेंटीमीटर। तो इतने डिस्टेंस कवर करने पास ये दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, यानी इनके स्टेप क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल दूरी पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, √3 + √5। तो पी की वैल्यू हमारे पास समझ लो 3 दी हुई थी और क्यू की वैल्यू क्या दी हुई थी, 5। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। देखो यहाँ हमें गिवन भी है पी और क्यू प्राइम है, वहाँ क्या थे हमारे पास, 3 और 5 थे। तो हमने क्या करना है, लेट अस सपोज दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल। तो पहले तो हमने इसे रैशनल लेट कर देना, तो रैशनल लेट करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट पी रूट क्यू इक्वल टू ए लेट करेंगे, वेयर ए इज अ रैशनल नंबर, वेयर ए इज रैशनल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ रूट पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए माइनस रूट ऑफ क्यू, फिर स्केयरिंग बोथ साइड, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ रूट पी का स्केयर ए माइनस रूट ऑफ क्यू का स्केयर, तो यहाँ आ गया पी ए स्केयर रूट ऑफ क्यू का स्केयर माइनस 2a रूट ऑफ क्यू, तो पी ए स्केयर क्यू स्केयर के साथ रूट कैंसल माइनस 2a रूट क्यू, तो 2a रूट क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए स्केयर प्लस क्यू माइनस पी, तो रूट क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
ए स्क्वेयर प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 2a। अब देखो रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तो इरेशनल है, ये तो क्या है इरेशनल है, और ये क्या है रैशनल है। ठीक है, बस यही तो करना था, विच इज कंट्राडिक्शन, तो हमने क्या लिखना है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस हैज बीन रीजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने लेट किया वो क्या था, रॉन्ग था, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ हमारा एग्जाम्पलर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। एग्जाम्पलर में 1/1.4 भी है, लेकिन वो सिलेबस से बाहर हो गया, तो हम वो नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर या कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।